हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे पैंट की स्टिचिंग। दोस्तों, इसमें हम साथ में पॉकेट लगाना और जिप लगाना भी आपको बताएंगे। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे मोहम्मद आई चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी ये पैंट कटिंग है और ये हमारा बचा हुआ कपड़ा, तो इसे हम अलग कर लेते हैं और उसे पैंट को हम फिर आराम से इसे ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये हमारी पॉकेट है, पहले हम इसे अलग करेंगे। और अलग करने के बाद ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसे हम बिल्कुल अलग कर देंगे। अलग करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम बैक वाला हिस्सा लेंगे। बैक वाला हिस्सा दोस्तों वो होता है जिसमें आसन हम बड़ा करके काटते हैं पैंट में। फिर आप इसके आसन की तरफ से सबसे पहले ये देखिए गोलाई वाला हिस्सा आपका आसन का होगा। आप इसे आसन पे एक सिलाई लगा लें आधा इंच की, और एक सिलाई लगाने का दूसरी सिलाई भी लगा लें इसी के ऊपर। इसे पक्की करके सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, जब ही इसे हम जोड़ लेंगे अपने बैक वाले हिस्से को, तो हम इसे अभी अलग कर देंगे और अब अपने फ्रंट वाले हिस्से को लेंगे। अब फ्रंट वाले हिस्से को उठाने के बाद भी दोस्तों, आपको सेम करना है आसन वाले की तरफ। आप इसको डबल सिलाई लगा के इसे पक्का कर लें। अब दोस्तों, जब ये आप इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दो, फिर आपको क्या करना है, आप इसे ऐसे ओपन करेंगे। और जो आपने ये निशान लगाया था, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम जो हमारी कमर थी इसमें 32 इंच। तो दोस्तों, ये जो हमने साइज़ लिखा है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका कमर का साइज़ था 32 इंच। तो हम आगे जो बेल्ट, ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है, इससे हम रखेंगे 16 इंच तैयार। ठीक है, प्लेट डालने के बाद 16 इंच जोड़ने का 16 इंच तैयार आना चाहिए। और दोस्तों, जो हमारे इलास्टिक वाला हिस्सा होगा वो 32 में 6 इंच कम करेंगे तो हमारा आएगा 26। 26 का आता 13 इंच, हमारी इलास्टिक डलेगी 13 इंच की। तो हम इसे नापेंगे और नापने के बाद इसको हम 16 इंच की तैयार कर लेंगे आगे की बेल्ट। तो दोस्तों, आप इससे बाद ये जो प्लेट वाला हमने कट लगाया है, आप इसको यहाँ से जितने आपको प्लेट डालनी है बेल्ट को नाप के आप इसको सिलाई लगा लें। दोस्तों, पहले आप सिलाई जितनी लगाएंगे उसके बाद अपने बेल्ट को नापेंगे कि आपकी बेल्ट कितनी है। तो ये देखिए, यहाँ से हम नापना स्टार्ट करते हैं, ये 3 और ये आपकी आ रही है यहाँ पे 8.25, यानी कि आपका जो है हल्का सा आपका ये और दबेगा। तो आपको क्या करना होगा, आप अपनी प्लेट को, या तो ज़्यादा आपकी प्लेट हो गया तो आप यहाँ से भी इसको कम कर सकते हैं। तो हम आपकी प्लेट यहाँ पे हमने देखी, प्लेट डाल दी, ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे तो हम यहाँ से इसको कम करेंगे। तो दूसरी तरफ भी आप इतना ही डाल लें। और दोस्तों, उसके बाद अब आपको नापना है ये 16 इंच। तो हम इसे इसी तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, आधा आधा इंच मार्जिन हमारा दबाव में जाएगा, तो इसे इंची टेप से छोड़ के हम नापेंगे कि कितनी बेल्ट है हमारी। तो दोस्तों, ये 17 इंच आ रही है, यानी कि हमारी बेल्ट जो है अभी हमारी एक्स्ट्रा है 1 इंच। तो हम इसको इस तरीके से लेने के बाद यहाँ से हम आधा इंच इसे दबा देंगे और इसको कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी बेल्ट कम होगी। अब उसके बाद हम इसे जब ओपन करेंगे, तो ये जो हमारा सीधे वाला हिस्सा है, आपको यहाँ से लगानी पॉकेट। तो ये पॉकेट पर आप ध्यान दें, ये हमारी पॉकेट है, ठीक है, जो हमने कटिंग करी थी लास्ट वीडियो में, ये मैंने निशान लगा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पॉकेट को आप ऊपर से लंबाई लेंगे 13 इंच और इसकी चौड़ाई होगी आपकी 7 इंच। मैंने आपको बताया था, जब बनाते हो आपको पॉकेट के बारे में बताऊँगा। उसके बाद आप 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे 6 इंच पे या 6.25 पे, क्योंकि यहाँ से हमारा हाथ जाता है। अगर आप 5 इंच पे ओपन करेंगे तो हमारा हाथ नहीं जा पाएगा, ठीक है। और डबल में इस तरीके से आपको कटिंग करनी है और ऊपर से तिरछा कटिंग करना है। तो ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर आएगा। तो देखिए हम पॉकेट कैसे लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप नीचे वाला हिस्सा निकाल दें और फ्रंट में जो हमारे प्लेट डली है, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है आपका, इस साइड में आप इसको ऐसे रखेंगे मिला के। और मिला के रखने का दोस्तों, ये जो हमारे कट हैं दोनों, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, तो हम इसे बारीक सिलाई करके सिलाई लगाएंगे पहले। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर कट लगा लेंगे
और दोस्तों ये जो हम तिरछा काटते थे वो उसकी वजह यही होती है। देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट आ रही है, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा देते तो हमारी प्लेट दब जाती है, तो हम यहाँ पे हल्का सा तिरछा दे देते हैं जिससे कि प्लेट में दबता नहीं और आपका यहीं तक आता है ये कपड़ा। फिर आप इसको देखिए ऐसे करें और ऐसे करने का एक नाखून लगाएंगे इस पर, और उसके बाद दोस्तों आप इसको देखिए ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ने के बाद आप इसे सिलाई लगाएंगे पहले लब पे, और सिलाई लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ पे उतार देंगे आप। तो दोस्तों ये देखिए हमने इतना कट कर दिया, अब आपको क्या करना है आप इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद अब आपको पॉकेट कैसे लगानी है, तो सबसे पहले पॉकेट को आप बिल्कुल एक बराबर रख लें, ये हमारी एक बराबर हो गई। फिर आप पॉकेट को देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ पे ऐसे मिला लें, और मिलाने के बाद देखिए पॉकेट आपकी पूरी बराबर मिल के आ जाएगी। फिर आप इसको एक पैर के मार्जिन के हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो दोस्तों ये जो सिलाई लगानी है आपको यहाँ तक लगानी है, ये जो ओपन वाला हिस्सा है आपको यहाँ तक सिलाई नहीं लगानी। फिर आप इसको इस तरीके से देखिए सीधा कर देंगे और नोक बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए आपकी ये पॉकेट पलट गई। फिर आप क्या करेंगे इसको इस तरीके से सिलाई को पकड़ेंगे और यहाँ पर भी आप एक पैर की सिलाई मार देंगे जिससे अंदर का जो मार्जिन है वो दब जाएगा और पक्की ये आपकी पॉकेट बन जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपकी पॉकेट बन गई। फिर आप इसको इस तरीके से आप रखेंगे, रखने के बाद देखिए दोस्तों आप इसको बिल्कुल यहाँ पर बराबर से ऐसे रखें, ठीक है, और जितना आपका मार्जिन है इतना दिखना चाहिए। आप यहाँ से इसे सिलाई लगाएंगे, पहले सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ तक इसे दबाव में आप इसे यहाँ से दबाते हुए सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया। फिर आपका जो नीचे वाला हिस्सा है आप इसको क्या करेंगे, देखिए दोस्तों नीचे हम थोड़ा राउंड में देते हैं तो ये हमारी पॉकेट सीधी कटी हुई थी, तो आपको क्या करना है पहले तो आप ऊपर से इसे मिलाएंगे जिससे कि झोल ना पड़े पॉकेट में। जैसे कि मान लीजिए आपकी पॉकेट इस तरीके से नहीं आनी चाहिए या ज़्यादा खिंचाओगे नीचे का नहीं होनी चाहिए झोल, आप इसे बिल्कुल एक इक्वल रखेंगे, एक बराबर, कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। फिर आप इसको इस तरीके से रखते हुए देखिए आपका इतना बाहर निकल रहा है ये कपड़ा। फिर आप इस पर सिलाई लगा लेंगे बिना खींचे, क्योंकि और एक हिस्सा होता है तो आप इसे बिना खींचे सिलाई लगा लें। ये हमने जो भी फालतू पॉकेट का निकल रहा था हमने कटिंग कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारी पॉकेट है, देखिए इस तरीके से इतनी गहरी हमारी पॉकेट हो गई। अब मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से जो हमने सिलाई लगाई है इससे मजबूती हो गई, ठीक है, तो हमारी ये पॉकेट लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना बैक उठाएंगे, ये बैक वाला हिस्सा है, आप बैक वाले हिस्से को इस तरीके से खोलेंगे, ये हमारा सीधे वाला हिस्सा है। फिर इसको हम फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे, इसको सीधे से सीधा मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पॉकेट वाला हिस्सा छोड़ देना है, दूसरी तरफ में हमें लगानी जिप। तो आप इसको इस तरीके से ऊपर से आप नीचे तक इसे मिलाते हुए ले जाएं, और नीचे की तरफ से अब आपको सिलाई लगानी है। तो आप इसको इस तरीके से लेते हुए जाके और नीचे की तरफ से आप इसे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आप सिलाई लगाएं थोड़ी और आप अपनी जिप लेंगे। तो जिप में दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा रखी है, आप पहले जिप में ऐसे सिलाई लगा लें जिससे कि जो फलकती है जिप वो आपकी एकदम ओके हो जाती है। फिर आप क्या करेंगे, जिप में आप अपनी जिप के अकॉर्डिंग आप ओपन करेंगे कितनी रखनी है। तो दोस्तों ये हमारी जिप थोड़ी बड़ी है तो हम इसमें 7.25 इंच तक रखेंगे, इससे ज़्यादा कभी ना रखें, आप 8 इंच तक ओपन नहीं करेंगे। आपकी जो ओपन होनी चाहिए जिप वो होनी चाहिए 6.5 इंच और दिखेगी आपकी, ठीक है, 6.5 कर लो, ज़्यादा ज़्यादा आप इससे 7 कर लो, इससे ज़्यादा नहीं खोलनी। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ये निशान हमने क्यों लगाया मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ सिलाई लगाई है दोस्तों ये देखिए कुटके से कुटका मिल के आना चाहिए। फिर इसे हम इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से इसे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल पक्की। अब दोस्तों जब आप ये देखें एंड तक आएंगे तो आपने जो जिप में नापा था ऊपर से आप नापेंगे तो ये आपका आ रहा है 7.25 इंच पे। तो आप यहाँ से भी इसको नापेंगे 7.25 इंच ऊपर से और यहाँ निशान लगा देंगे। अब आप यहाँ पर उसी मार्जिन से अच्छी तरह पक्का करके इसको हटा देंगे। पक्का करना आपको यहाँ पर ढंग से। फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे
रखने के बाद दोस्तों आप एक कपड़ा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम तकरीबन ऊपर से जैसे हमने 7.5 पे लगाया, तो हम 9.5 इंच तक इस कपड़े को लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी सिलाई है, तो हम पहले से कपड़े को कटिंग करेंगे सीधा। अब इसे ऊपर से 9.5 है, तो हम यहाँ पे इसे कटिंग कर लेंगे 9.5 तक। अब दोस्तों इसे हम देखिए, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, सीधी तरफ से इसको ऐसे रखना है कपड़े को, उसे सिलाई लगाएंगे उतने मार्जिन में जितने हम नीचे सिलाई मारते हुए लाए थे। फिर दोस्तों इस जगह पे आप देखिए ऐसे करेंगे, इसे जोड़ को चीरेंगे और यहाँ पे लगाएंगे नाखून हल्का सा, और इसको नीचे तक इस तरीके से रखने के बाद आपको सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ाना, बिल्कुल सिलाई के जड़ में आप सिलाई मारते हुए चले जाएँ। फिर दोस्तों आप इसको इस तरीके से रखने के बाद एक नाखून लगाएंगे हल्का, फिर इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसे इस तरीके से करने के बाद जो भी फालतू कपड़ा होगा इसे हम कटिंग करेंगे। दोस्तों कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जिप लेंगे और जिप का जो सीधे वाला हिस्सा है आपको इसको ऐसे रखना है। और रखने के बाद दोस्तों आप इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है, जो फिनिशिंग में ये आपका आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जिप को इस तरीके से, ये जो निशान है आपका जिप का, आपको यहाँ तक इसको ऐसे छुपाना है। छुपाने का दोस्तों आप इसे इतना जितना मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी जिप भी इसमें दब जाए, इतनी छोड़ के सिलाई लगानी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए जिप को आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। यहाँ तक रखने के बाद आप अपने इस जोड़ को देखिए बिल्कुल आधा इंच के हिसाब से आपको एक हल्का नाखून लगा लेना, जिससे क्रीज बन जाएगी। फिर आपको नीचे तक लेके आना है, यहाँ तक जहाँ तक आपका ये सिलाई लगी हुई है। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए इसको ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ से भी आप अपने नाखून से ये जोड़ को चीर के रखेंगे और आप इसे सिलाई लगाएं। अब इसे यहाँ पर हल्का पक्का कर लें, फिर आप इसको इस तरीके से घुमाएं। घुमाने का दोस्तों जितना मार्जिन हमने सिलाई में दबाव में लिया था बिल्कुल उतना ही मार्जिन यहाँ भी रखेंगे। और इसको देखिए जिप के हल्के से बराबर से रखते हुए आप इसके जिप के ऊपर सिलाई लगा देंगे लप की। उसके बाद दोस्तों ये जो जिप है हमारी, आप इस जिप को ओपन करेंगे इस तरीके से देखिए, क्योंकि हमारी जिप पूरी फिनिशिंग में तभी लग पाएगी जब हम इसे नीचे करेंगे, फिर इसको हम सिलाई लगा के पूरा कर लेंगे। और दोस्तों इतनी सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जिप तो आपकी लग चुकी, बस आपको जिप चला के देखना है कि कहीं आपकी अटक तो नहीं रही सिलाई में। जब ही आपकी जिप बिल्कुल ओके लग जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ उल्टी तरफ से। तो देखिए एक तरफ तो आपका पक्का काम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ में हमने सिर्फ कपड़ा मोड़ा था, ठीक है, इस तरफ से। तो ये देखिए हमारा ये हल्का हल्का ये कच्चा है, तो हम इसे कैसे फिनिशिंग करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक कपड़ा लेंगे हम, इसकी भी लंबाई उतनी रखेंगे 9 इंच के आसपास। इसको सीधे कपड़े को आप पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर हम पेपर पेस्टिंग यूज़ करते हैं, लेकिन कॉटन का कपड़ा होता है तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो हम देखिए इस तरीके से पहले इस पर इतना फोल्ड करेंगे कपड़े को 1.25 इंच के आसपास, 1.5 इंच के आसपास, फिर इसको हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। फिर दोस्तों आप इसको इस तरीके से देखिए इतना इतना सिलाई लगा लेंगे करीब 1.25 इंच की चौड़ाई में, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये किनारे वाला हिस्सा है, फिर ये देखिए जो हमारा निकला है धागे वाला हिस्सा, आपको ये ऊपर रखना है जहाँ पे हमने जिप लगाई थी उसको। देखिए इस तरीके से आप पहले ऊपर तक नाप लेंगे कि आपका ये बिल्कुल पूरा हो जाए। तो ये देखिए हमने इतना रख लिया। अब यहाँ से हम इसको नीचे जो हमने सिलाई लगाई है, हम ऊपर वाली सिलाई, ये जो जिप वाली सिलाई है ये वाली देखिए, ये सिलाई नीचे वाली सिलाई से मिल के आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम। अब हम इसे शुरू करेंगे इस तरीके से उठा के, यहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे, फिर इसको हम ऐसे घुमाएंगे। घुमाने का दोस्तों आप इसको देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई ऐसे रखेंगे और इसको अटैच करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी जो जिप होगी आप इसे नीचे तक कर दें ताकि आप इसे आराम से लगा पाएँ। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको आराम से दिखा सकता हूँ, आप इसको जिप को देखिए, जो सिलाई वाला हिस्सा है मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ अगर सिलाई ना दिखती हो। आप इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे।
और दोस्तों ये लगाने के बाद भी आप अपनी जिप को चला के देखेंगे, जब आपकी जिप बिल्कुल ओके एकदम चलेगी तो आप क्या करेंगे पहले धागे कटिंग कर लें। उसके बाद दोस्तों ये देखिए किनारी वाला जो हिस्सा है हम इसको इस तरीके से जो मार्जन है उसके इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा और इसमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी जिप भी इसके अंदर लग चुकी है। अब हमें लगाना है इसके अंदर बेल्ट। तो दोस्तों ये फ्रंट वाला हिस्सा हमारा तैयार हो चुका है, हमें इसमें बेल्ट लगानी है तो हम इसे नापेंगे इस तरीके से और तकरीबन इतना एक्स्ट्रा हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमने बेल्ट हमारा ये जो रोल है आपका 1.25 इंच का चौड़ा रोल है, हमने ये काफ़ी ज़्यादा काट लिया, ठीक है। फिर आप इसको क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें पेस्ट भी है, आप इसे चाहे तो रखने के बाद इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी लाइट चली जाती है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर इसे कच्चा कर लें, उसके बाद दोस्तों आप इसको देखिए इस तरीके से ऐसे करें और इसकी लप्पे एक सिलाई लगा लें। जितनी ज़रूरत है उतना कपड़ा रखें, बाकी कटिंग कर दें। फिर दोस्तों इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम मार्जिन लेंगे अपना, तो हमारा ये मार्जिन होगा तो हमें देखिए इतना इतना इसे कटिंग करना होगा एक बराबर। तो दोस्तों जब ये आपका इस तरीके से हो जाएगा फिर आप अपना अपनी पैंट को लेके अपना फ्रंट वाला जो हिस्सा है, ये देखिए फ्रंट वाला जो हिस्सा है आपका, आपको पहले जिप में ध्यान देना है, आपकी दूसरी तरफ जिप में देखिए लोहा लगा है लेकिन इसे कभी नहीं निकालेंगे आप, कब निकालना है मैं बताऊँगा। तो ये देखिए पहले इसमें लोहा आपने हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना होगा, आप इसको सीधी तरफ से ऐसे रखेंगे और इस तरफ से आप देखिए इसको यूँ रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद आप इस पर आधा इंच जितना आपने मार्जिन दे के कटिंग कराएं उतना मार्जिन से इसे आप जोड़ देंगे। और दोस्तों जब आप आएंगे अपनी प्लेट की तरफ तो आपको क्या करना है, प्लेट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा दें। उसके बाद दोस्तों आप इसे ऐसे करके एक नाखून लगा लें। फिर आपको क्या करना है, आप इसे देखिए इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा फिनिशिंग में, उसके ऊपर आप सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों आप ऐसे देखेंगे अंदर से बिल्कुल फिनिशिंग हो चुकी है और ये जो कच्चा है ये बाद में खुल जाएगा आपका पैंट बनने के बाद। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से हुक होगा एक, इस हुक को आप यहाँ से देखिए इतना छोड़ के आप इसे लगाएंगे। तो पहले आप इसको अंदर की तरफ कर देंगे बेल्ट के, जब ये आपका बाहर निकल जाएगा तो आप इसको देखिए जो ये आपका उठा हुआ हिस्सा है ये आपका ऊपर आना चाहिए, आप इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद कैंची की मदद से आप इसको पहले आराम से इस तरीके से कर लेंगे, दूसरी तरफ में भी आप इसको आराम से इस तरफ झुका लें। तो ये देखिए दोस्तों ये आपका हुक लग चुका, आपका हुक पहले इधर होना चाहिए, जब ये अंदर जाएगा तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप इसे इस तरीके से कटिंग कर दें। अब आप एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर की तरफ, जब आप यहाँ पर आएंगे फिर आप इसको देखिए बिल्कुल एकदम बराबर से ऐसे रखें, फिर इसको अंदर की तरफ में फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद दोस्तों आप इसे लगा लें सिलाई। तो आप ये देखेंगे ये हमारी बेल्ट लग के बिल्कुल फिनिशिंग में बैठ गई एकदम पक्की तरीके से, ये आपके कहीं भी नहीं जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपका फालतू आप इसे कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आप अपनी जिप को लगाएंगे, लगाने के बाद आप इस बेल्ट को नापेंगे कहाँ तक आ रही है आपकी बेल्ट और इस तरीके से आपको यहाँ निशान लगाना होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी चौड़ी आप लास्टिक डाल रहे हैं उतनी चौड़ी आप बेल्ट रखेंगे तो ही आपका ओके आ पाएगा। फिर आप इसको फालतू इसको कटिंग करेंगे और यहाँ पर जो आपका लोहा है किसी की मदद से आप इस लोहे को भी निकाल देंगे। फिर आपका ये देखिए बैक में जितना भी ये कपड़ा है ये देखिए ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, आपको ऐसे नापने के बाद इससे इतना फालतू आपको कपड़ा कटिंग करना है 4 या 4.25 इंच चौड़ा। तो दोस्तों ये देखिए हमने 4.25 इंच चौड़ा ये जो कपड़ा कटिंग कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, जो हमारी जिप लगी है हम इसको इस तरीके से करेंगे और बैक साइड से ध्यान रखिए उल्टी तरफ से आपको कपड़ा ये रखना है,
और आधा इंच की दबाव में, जितना दबाव आपने बेल्ट में लिया था उतने दबाव से आप इसमें सिलाई लगाते हुए इसे कपड़े को अटैच करेंगे। आप इसको ऐसे करें और एक ऐसे करने का एक पैर की सिलाई आप मार देंगे। अब दोस्तों जब आपका इस तरीके से कपड़ा अटैच हो जाएगा तो ये आपका देखिए फ्रंट वाला हिस्सा है। तो आपको किस तरीके से इलास्टिक नापनी है, इलास्टिक को कभी भी कटिंग ना करें, पूरा रोल लेंगे हम और आप इस तरीके से इसे खोल लें। काफ़ी इलास्टिक हमारे बैक में, जो हमने इलास्टिक बताई थी आपको कि हमारा 13 इंच इलास्टिक आ गई, तो आप देखिए किस तरीके से 13 इंच की इलास्टिक नापेंगे। पहले आप इसको इस तरीके से रखेंगे और जो आपका जिप वाला हिस्सा आ रहा है पहले आप यहाँ पर लगा लेंगे कि निशान। अब 13 इंच की आपको इलास्टिक नापनी है तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ से निशान से आप इसको ऐसे नापें, ये 13 इंच हो गया, तो आप यहाँ पे 13.5 पे निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया आपका 13.5 पे। फिर आप क्या करेंगे देखिए दोस्तों, ये जो निशान था आपका जो बराबर से आएगा, आप इसके बराबर से इसको ऐसे रखेंगे इलास्टिक को। रखने के बाद आप इस कपड़े को ऐसे करके इसके बराबर से ही आप इसे फोल्ड कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे इस तरीके से ऊपर से आप इसे सिलाई लगाएंगे जो जिप की सिलाई है बिल्कुल ऐसे, जिससे फिनिशिंग में दिखे। फिर उसके बाद आप इसे ऐसे घुमा दें और घुमाने का दोस्तों सिलाई के बराबर से आप इलास्टिक को रखते जाएं और कपड़े को फोल्ड करके ठीक है आप इसे जमाते चले जाएँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इलास्टिक नहीं दब नहीं पाए, बिल्कुल आपको इलास्टिक से हट के सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप पूरे इलास्टिक को लगा लें। अब दोस्तों जब आप इलास्टिक लगा लेंगे तो ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने पक्का कर लिया ना पहले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इलास्टिक को इस तरीके से ओपन करेंगे, खींचेंगे, खींचने के बाद देखिए दोस्तों जो आपने निशान लगाया था उस निशान को आप कटिंग कर लें। कटिंग करने का एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक आपकी उधर नहीं जानी चाहिए। आप इस इलास्टिक को बड़े आराम से बिल्कुल एकदम बराबर से रखने के बाद आप यहाँ पर सिलाई मार के इसको जमा लें। जो भी फालतू कपड़ा आप इसे कटिंग कर देंगे तो ये आपकी इलास्टिक जम गई। अब इसमें आप झोल रहने दें। फिर आपको क्या करना है पहले धागा कटिंग कर लें, उसके बाद दोस्तों ये देखिए जो आपका ये जो कपड़ा है फालतू बाहर निकल रहा था आप इसको इस तरीके से रखेंगे एक बराबर और इस पर आप सिलाई लगा लें। यहाँ पर आपको बिल्कुल किनारे में सिलाई लगानी है जिससे फिनिशिंग दिखे। तो यहाँ पक्का कर लेंगे, पक्का करने का दोस्तों आप इसे उतार लें। अब आप लगाएंगे इसके अंदर हुक, तो उसके लिए हुक ले लेते पहले दोस्तों। हुक लेने के बाद आपको क्या करना है, आप हुक को देखिए जिप से आपको तकरीबन इतना हटा के यहाँ पे हुक को बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से अंदर करना है और उसके बाद उठा हुआ हिस्सा दोस्तों आपका ऊपर आएगा। फिर आप इसे भी इस तरीके से ठोक दें। जब दोस्तों आपका मजबूत होगा, कई लोग ऊपर लगा देते हैं लेकिन कमर में चुभता है, तो हमने ये जो बाद में कपड़ा दिया है तो आपको क्या करना है पहले आप इसको इस तरीके से नापेंगे। नापने का जो आपकी सिलाई है उसके अकॉर्डिंग आप इसे कटिंग कर लें। फिर आप इसे यहीं की यहीं इसको इस तरीके से अंदर करेंगे जिससे कि ये चुभे ना और फिनिशिंग में बैठ जाए। देखिए आपका ये बिल्कुल बराबर आ गया फोल्ड करने के बाद। अब हम इसे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों ये जो सिलाई लगाई थी हमने इस सिलाई पे भी सिलाई लगाएंगे। फिर आप इसको घुमाने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा के नीचे उतार दें। और दोस्तों जो सिलाई लगाएंगे आपको ध्यान रखना है कि ये कपड़ा इतना चौड़ा हो कि सिलाई में अटैच हो जाए। तो ये देखिए आपका हुक वाला हिस्सा भी छुप गया। अब आपको क्या करना है, आप इसको देखिए इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद नीचे तक आप इसको नापेंगे कि आपका ये जो है कुटका बिल्कुल कुटके से मिलके आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ओके आ रहा है। तो अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए दोस्तों इसे मिला लें और मिलाने के बाद आधा इंच की गैपिंग में जैसे हमने सिलाई लगाई थी आप इस पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों ये लगी हमारी पॉकेट, तो पॉकेट का जो किनारे वाला हिस्सा है आपको इसका ध्यान रखना है। जब आप इसको यहाँ पर अटैच करेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का पक्का करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप एक बराबर रख के पॉकेट ना दबने पाए इसको अलग हटा दें
और इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से रख के आप इसे सिलाई लगाएं। जब हम नीचे वाले हिस्से की तरफ पहुंचेंगे तो आप इसको यहाँ पे भी आपको पक्का करते हुए चलना है। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल एकदम बराबर से रखते हुए आप नीचे तक इसकी सेम सिलाई लगा लें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फालतू धागे कटिंग करके जहाँ जहाँ हमारे ओवरलॉक की ज़रूरत है हम पूरे में ओवरलॉक करेंगे, और पॉकेट में खासतौर पे नीचे की तरफ में आप देखेंगे तो आपको इस जगह भी ओवरलॉक करनी होगी। तो चलिए हम इसे ओवरलॉक करते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसे ओवरलॉक कर लिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बैग आप देख रहे हैं बेल्ट में झोल है, तो आप इसको इस तरीके से जब खींचेंगे तो ये पूरी इलास्टिक ऑटोमेटिक ये कपड़े को एडजस्ट कर लेगी। फिर आपको क्या करना है, आप इसको इस तरीके से उठाएँ बूट को और यहाँ पे सिलाई लगाएं। लगाने के बाद सुई अंदर जब हो तो आप इसको इस तरीके से पकड़ें और इसको खींचें दोनों तरफ, इधर वाले को इधर, इस वाले को इधर खींचना है, इस वाले हाथ को उधर खींचना है, और सिलाई खींचते हुए ले जाना है। और दोस्तों जहाँ पे आपकी सिलाई ख़त्म होगी तो ये देखिए जो आपका ये उठ रहा है, तो आप इसको इस तरफ से कर दें बैक साइड इलास्टिक की तरफ, यहाँ पर सिलाई लगाएं और इसको ऐसे घुमा के बूट को हल्का पक्का करके नीचे उतार दें, जिससे ये आपका बैक साइड में हो जाएगा और फालतू धागे को कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारी इलास्टिक लग गई, पूरे तैयार हो गया। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से आप देखिए नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको मोरी पलटनी है। तो हमारे इसमें चौड़ा फोल्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से देखिए ये जितना भी मार्जिन है आपको बैक साइड में रखना है और इसमें हल्का नाखून लगा लें। आपको जितना चौड़ा रखना है तो हम रखेंगे इसको, देखिए कुटकी की तरह पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, वो फोल्ड करने का जैसे एक फोल्ड और करेंगे, सारा मार्जिन ये जो है आपका ये बैक साइड में जाएगा, ठीक है, फ्रंट की साइड में नहीं होना चाहिए, बैक साइड में जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से करके ये बैक साइड में कर देंगे, और इसको पकड़ने के बाद आप यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों ये आप देखेंगे जितना भी फालतू कपड़ा है आप इसे कटिंग कर दें। तो इसी तरीके से दोस्तों दूसरी तरफ भी आप बैक साइड में मार्जिन करके इसे फोल्ड कर लें। तो दोस्तों देखिए हमने दूसरी तरफ भी इसे फोल्ड कर लिया है। फिर आप इसको इस तरीके से मिलाने के बाद, मिलाने के बाद दोस्तों आप इसे देखिए हमारा निशान लगा हुआ है, जो इतने मार्जिन से हम इसे सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों जब आप सेंटर में आएंगे तो आप देखिए इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे, मिलाने का ये वाला मार्जिन आपका उस तरफ जाएगा, ऊपर वाला आपका इस तरफ में आएगा, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे मिला के इसे सिलाई लगा दें। जिस तरीके से मैंने यहाँ से आसन तक सिलाई लगाई है, आप दूसरे पल्ले में भी सेम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों दूसरी तरफ भी आपने ऐसी सिलाई लगा ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दोनों को इस तरीके से नापेंगे कि आपका एक बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए आपका जब ये बिल्कुल एक बराबर आ जाए तो आप एक सिलाई फाइनल इसके ऊपर मारेंगे और पक्का करते हुए आप इस पर उतार देंगे। उसके बाद इसे ओवरलॉक करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कैसी बनी। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ये पैंट बन चुकी है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आप जो कोई पैंट ऐसी पहनी जाएगी आपकी ये लेफ्ट हैंड पे आपकी हमेशा जिप आएगी और राइट हैंड पे आपकी पॉकेट आएगी। आपकी पॉकेट में दिखाता हूँ, ये देखिए आराम से मेरा हाथ जा रहा है और काफ़ी गहरी भी पॉकेट है ये, ठीक है। और साइड में हमारी जिप है, तो ये जिप हम इस तरीके से आपको बताते हैं, ये जो मैंने कपड़ा लगाया है आप इसमें पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। और देखिए आप जिप को बंद करके हम दिखाते हैं, उसका जो हमने हुक लगाया था आपका हुक देखिए इस तरीके से आएगा। तो आपका जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा बेल्ट का वो थोड़ा बड़ा होगा, इलास्टिक वाला कम होगा। तो ये इस तरीके से आपकी पैंट बन जाएगी। और ये जो हमने क्रीज में जो आप देख रहे होंगे ऊपर हल्का हल्का गुलाबी निशान दिख रहा है, तो ये आप क्रीज की प्लेट है, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और नीचे की तरफ से आप इसको ऐसे पकड़ के सिलाई से सिलाई मिलाएंगे जब, ठीक है। तो ये देखिए आपकी इस तरीके से ये पैंट आएगी और आप इसमें प्रेस लगा लेंगे। जब आप प्रेस लगा लेंगे इसके ऊपर तो ये आपकी एकदम मस्त क्रीज वाली बन जाएगी। आप चाहें तो साइड में यहाँ पे बटन या कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे मोहम्मद चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।